एप्पल प्लक करते हैं और हरी को खिलाते हैं ये रेड वाले एप्पल्स, और ये वाला खाते हैं हरी, ये रेड है, और ये वाला मैं खा लेता हूँ। धोना पड़ेगा क्या? हाँ। अरे मुस्तफ़ी, ये तेरा है क्या बगीचा? हाँ बिल्कुल, सारा मेरा सारा बगीचा है। हाँ जी। तो यार सही है यार, मस्त है भाई। मेरे को तो ये पूरा एरिया जो है सेबों से भरा पड़ा है। दिल्ली में हाई क्वालिटी सेब खाना चाहते हो तो आप लोग मेरे दोस्त के घर आ सकते हो, वो फ्री में भी खिलाएगा तुम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मैं बोल दूंगा तो वो खिला देगा फ्री में। बट वो वही लोग खाएगा जो पापा सॉरी के सब्सक्राइबर होगा। ऐसा नहीं कि साला मैं किसी को बोल दूंगा कि ये मुस्तफ़ी इसको खिला दे, वैसा नहीं। मैं भी अपना इंटरेस्ट देखूंगा इसमें, तभी सब्सक्राइब कीजिए पापा सॉरी को। और मिनट्स ऑफ पापा मुस्तफ़ी, नॉट पापा सॉरी, ओके जी। आई थिंक सबसे स्पेशल रूम दिखाऊंगा मुस्तफ़ी के घर का, गेस्ट रूम भाई, मतलब क्या ही बताऊँ भाई, मज़ा आ जाएगा। कम ऑन मुस्तफ़ी, कम ऑन, कम कम इनसाइड गाइस। सो गाइस, दिस इज गाइस लंदन में यूके, उस स्टेडियम का एक प्लेयर ने इसको गिफ्ट किया मुस्तफ़ी को, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल चुका है। तो गाइस वी आर ऑन पापा सॉरी राइट, एंड यहाँ पे मैं आ रहा हूँ बस स्टैंड पे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू बस स्टैंड के अपोजिट में खड़े हम लोग। भाई काफ़ी स्केयरिंग लग रहा भाई यहाँ से, बता रहा हूँ। वाओ, सिंपली वाओ मैन, आई हैव नो वर्ड्स टू, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस। तो गाइज हम लोग श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, पापा सॉरी एंजॉयिंग द जे एन के जर्नी। भाई लोग हैं पापा सॉरी पे, भाई लोग का दोस्त, पापा सॉरी का दोस्त है ये लोग, और हम लोग साथ में आ रहे हैं बनिहाल से। और गाइज वी आर ऑन पापा सॉरी राइट, एंड यहाँ पे मैं आ रहा हूँ बस स्टैंड पे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू बस स्टैंड के अपोजिट में खड़े हम लोग। और ये जो मैं अभी जिस गाड़ी में ट्रेवल करूँगा वो ये वाली सर्विस लेने वाला हूँ मैं, क्या बोलते हैं, जम्मू मैक्सी कैब है ना, स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर, ये जो नंबर नोट कर लो भाई, ये जो सर्विस है ना भाई काफ़ी जेन्युइन सर्विस है, ये ऑथराइज बाई गवर्नमेंट है, और जो इस सर्विस को चलाते हैं उनसे मैं अभी बात करूँगा। तो ये भैया हैं उस सर्विस के ऑपरेटर। तो भैया क्या मतलब, आप गवर्नमेंट ऑथराइज है? नहीं सर, हमारी जो यूनियन है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ओके। हाँ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, हमारा जम्मू बनाल का काम है, श्रीनगर का है, कारगिल लेह लद्दाख का काम हमारा है आपका। तो आप कौन सी? ये हाँ, तो भैया ये नंबर बता रहे हैं, बुक करना होगा किसी को, गाड़ी बुक करना हो या यहाँ पे बस स्टैंड पे अगर कोई कन्फ्यूज हो तो आप यहाँ पे आ जाइए, जस्ट अपोजिट है बस स्टैंड के अपोजिट में, राइट। तो आपको मिल जाएगा जम्मू, जम्मू मैक्सी कैब करके सर्विस है। तो भैया आपने नंबर बताना। सर माय नेम इज सुजीत सिंह, 7889644596, एक नंबर और है 7006389091। तो ओके गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी गाइस, वेयर वी आर टुडे राइट, वी आर इन जे एन के, एंड गाइस सीनरीज आर क्वाइट गुड हियर। बनिहाल राइट, एंड फ्रॉम सेरी रामबन, फ्रॉम सेरी रामबन दिस इज द चेनाब रिवर ट्रिब्यूटरी। जन्नत इज हियर मैन राइट नाउ, यू आर आई विल शो यू जन्नत ऑफ जे एन के राइट ब्लॉग, यू सी दैट यू शुड बी ऑन पापा सॉरी। स्केयरिंग लग रहा भाई यहाँ से, बता रहा हूँ भाई, बेयरिंग का काम कर रहा हूँ मैं भाई यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जे एन के विजिट किया आज, तो उसके बाद जा रहा हूँ, उसका भी नाम है उसका।
सिंपली बॉम्ब है। आई हैव नो वर्ड्स टू, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस। Guys, we are in JNK, right? आज रेलवे स्टेशन था ये, और यहाँ पे अपन करेंगे ब्लॉगिंग। देखो कैसा जाता है ब्लॉगिंग, राइट? अरे पब्लिक है भाई। दिस द ट्रेन, वी आर बनिहाल से हम लोग जा रहे हैं। बनिहाल से जा रहे हैं अपन बारामूला दोस्त के पास, ठीक है? देखते हैं कैसा रहता है ब्लॉगिंग आज का। चुके हैं भी, आपको क्या नाम है? मेरा नाम दानिश भाई है भाई, सब्सक्राइब करेंगे पापा सॉरी को। तो भाई श्रीनगर हम लोग पहुंच चुके हैं बनिहाल से। तो गाइज हम लोग श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, पापा सॉरी, इंजॉइंग द जे एन के जर्नी, राइट? एंड दिस इज द जे एन के श्रीनगर। भाई मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? काफ़ी बढ़िया जगह लग रहा है भाई मुझे, ये दिस इज द ब्यूटी। दोस्त हैं ये लोग, और हम लोग साथ में आ रहे हैं बनिहाल से, और हम लोग जाएंगे बारामूला। और ये भाई ब्यूटी देख लो भाई, श्रीनगर का ब्यूटी देख लो। Thank you.
तो भाई हम लोग अभी श्रीनगर से निकल चुके हैं, भाई हम लोग को मिले यहाँ पे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीक सिंह। ओके, तो भैया आप यहाँ लोकल एक नेटिव हो यहाँ के? हाँ जी नेटिव। कहाँ जा रहे हो अभी आप? सर मैं श्रीनगर एयरपोर्ट जा रहा हूँ। श्रीनगर एयरपोर्ट जा रहे हो, वहाँ से कहीं जाना है क्या? नहीं सर, हमारा जॉब अलग है वहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट। ओके, तो वहाँ जा रहे हैं आप? मैं भैया पहली बार आया जेएनके में और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को, मेरे को काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, सीनरी बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं कैसे कहाँ बनाते हैं अपन। गाइस ये ब्यूटी है श्रीनगर का, ये बैडगाम में अपन और काफ़ी इंजॉय करते हुए अपन जर्नी को। और ये भाई है, भाई का नाम मोहित, मोहित नाम ब्रो, मोहित है, मोहित, मोहित, मोहित ब्रो, मोहित। एंड ये देख रहे हो कश्मीर, बर्फ़ से लदा हुआ कश्मीर काफ़ी। भाई ये फर्स्ट टाइम आया मैं जे एन के और मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का लगा, मैं क्या ही बताऊँ। मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ का मौसम, तो भाई गर्मी दिल्ली में इतना गर्मी है अभी। बट तो गाइस ये भाई लोग हैं पापा सॉरी पे, ये भाई लोग का दोस्त, पापा सॉरी का दोस्त है ये लोग, और हम लोग साथ में आ रहे हैं बनिहाल से और हम लोग जाएंगे बारामुल्ला। और ये भाई ब्यूटी देख लो भाई, श्रीनगर का ब्यूटी देख लो। धान की खेती, भाई धान की खेती मतलब कश्मीर में भी काफ़ी फेमस है और यहाँ पेड़े, भाई पेड़े तो भाई इतनी है यहाँ पे, हरियाली इतनी है कि भाई कहना नहीं है। और हवा, दिल्ली का हवा और यहाँ का हवा में आसमान और ज़मीन का अंतर, दिल्ली के लोग पता है क्यों जी रहे हैं इतने पोल्यूशन में। तो यस गाइस, जानते हो क्या हुआ अभी? अभी क्या हो गया कि भाई जिस स्टेशन पे उतरना था उस स्टेशन पे निकल गई वो स्टेशन,
उसके बाद पता लगा कि भाई इसी स्टेशन पर उतरना था, तो फिर भाई एक स्टेशन आ गया अपन, और अभी पटन रेलवे स्टेशन पे हैं। अभी दोबारा मैजम रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पर मेरा दोस्त वेट कर रहा है, तो जाते हैं ब्रो। अभी 10 मिनट में आने वाला है ट्रेन, 10 मिनट में ट्रेन आने वाला है, उसके बाद वहीं पे चले जाएंगे मैजम रेलवे स्टेशन, वहीं पे मुस्तफी मेरा जो दोस्त है वो वेट कर रहा है। और कश्मीर का जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है गाइस। एक्साइटिंग इसलिए होगा क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो नेटिव है यहाँ का, ठीक है, वो दिखाएगा अपन लोग को कहाँ पे ले आता हो, कहाँ घुमाता है अपन को जे एन के में। मेरा तो जे एन के में फर्स्ट टाइम है, तो वही है गाइस, आप लोग को दिखाया जाएगा जे एन के, काफ़ी खूबसूरत है भाई। मेरे को तो भाई यहाँ का एयर, खासकर एयर पोल्यूशन के नाम पोल्यूशन तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पे खाली ग्रीनरी ग्रीनरी है और मस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे भाई, बहुत बढ़िया। दिस इज़ द रेलवे स्टेशन, यही है, ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मैजम रेलवे स्टेशन, हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। और मुस्तफी कहाँ है भाई? गाइस पापा सॉरी, अभी कश्मीर का गांव देखते हुए, ये मेरा दोस्त है। कैसा भाई तेरा गांव? तो जन्नत लग रहा है मुझे। बढ़िया बढ़िया भाई, हैं कैसा है? अजीब, देखो भाई पागल हो जाओगे, क्यों रहते हो दिल्ली में समझ में आएगा बोले। कश्मीर को है ना, मैं आप लोग को इतना नज़दीक से दिखाऊंगा ना, किसी ने और इंडिया में नहीं दिखाया होगा, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ कश्मीर का परसेप्शन चेंज करने के लिए आया मैं यहाँ पे। कश्मीरी हुआ एक ट्रीज है ब्रो, वॉलनट का, और ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी कोई नॉर्मल ट्री होगा, फल का लग ही नहीं रहा है, वॉलनट का नहीं। अच्छा ग्रीन दिख रही है, ओके ये है ब्रो का ग्राउंड है ब्रो, वाह। अब तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर क्या कर रहा तो खेलो, खेलना तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यही है, ये कश्मीर का ग्राउंड, यहाँ पे लोग नेट प्रैक्टिस करते हुए और डेली खेलते हैं यहाँ पे मुस्तफी, डेली खेलते हैं, हैं डेली शाम को प्रैक्टिस होता है घंटा। लास्ट गाइस ये बल खाएंगे अभी, अभी मुस्तफी का घर दिखाता हूँ आप लोग को, काफ़ी यूनिक गाइस, ऐसा घर गाइस मैंने देखा नहीं है लाइफ में, इतने एक्सपेंसिव घर मैंने भाई मैं बता रहा हूँ भाई, अलग ही लेवल का है भाई, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक थिंग है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोग को। और फर्श दिखा यार मुझसे भी भाई, इट इज़ सो यूनिक मैन, इट लुक लाइक आई एम इन डिफरेंट कंट्री। विंटर्स के लिए कुछ बताओ क्यों ऐसा रखा गया? विंटर्स के लिए बहुत सर्द होता है तो हम कारपेट बिछाते हैं, और यहाँ से सब जितने मोमेंटम्स अचीवमेंट्स ऑफ पापा मुस्तफी, नॉट पापा सॉरी ओके, अचीवमेंट ऑफ मुस्तफी भाई का है, और अवार्ड्स अवार्ड्स काफ़ी जीता है लौंडा। और ये गाइस लकड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है गाइस, आई लव इट गाइस, सो गाइस आई थिंक सबसे स्पेशल रूम दिखाऊंगा मुस्तफी के घर का, गेस्ट रूम भाई, मतलब क्या ही बताऊँ भाई, मज़ा आ जाएगा। कम ऑन मुस्तफी, कम ऑन, कम कम इनसाइड गाइस, सो गाइस दिस इज गाइस, यू विल बी अमेज्ड बाय सीइंग दिस रूम, आई एम सेइंग इट गाइस, यू सी इट गाइस, ओह माय गॉड दिस इज अ फैंटास्टिक गाइस, जब बैठोगे आप लोग यहाँ पे तो ऐसा सुकून मिलेगा। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था यहीं पर बैठा था मुस्तफी के घर में, और भाई नाश्ता पानी चाय जो मेरे को मुस्तफी ने खिलाया, ओ भाई मैं क्या होता यार, मेरे को काफ़ी मज़ा आ गया था भाई, मैं इतना मज़ा आया ना कि मैं क्या ही कर यार, ऐसा एक्सपीरियंस मैं गेन ही नहीं कर सकता था विदाउट फ्रेंड्स इंजन के। तो गाइस यही था, तो गाइस ये देख लो भाई, समय दे रहे हो तुम लोग, यहाँ पे आओगे ना तभी पता लगेगा क्या है, ठीक है गाइस,
नेक्स्ट रूम में हम लोग देखेंगे, ये मुस्तफी का रूम, घर का टूर कर रहे हैं अपन। मैं जिस रूम में रुक रखा हूँ उसका टूर बताऊँगा हूँ अभी, ठीक है गाइस। तब जहाँ भी आ रखा हूँ मैं, स्पेशल रूम मुस्तफी का रूम है, नॉट पापा सारी रूम गाइस, दिस इज मुस्तफी रूम गाइस। बोल भाई, भाई लॉर्ड्स जो स्टेडियम है लंदन में यूके, उस स्टेडियम का एक प्लेयर ने इसको गिफ्ट किया मुस्तफी को, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल चुका है और उस मैच में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो एज ए गिफ्ट दिया था उस प्लेयर ने। प्लेयर का नाम क्या है गाइस? प्लेयर का नाम हिल्स है, एलेक्स हिल्स। एलेक्स हिल्स ने इस बॉल को गिफ्ट किया वापस, नॉट वापस सॉरी गाइस, मुस्तफी को गिफ्ट किया जस्ट बिकॉज व्हाट स्किल इज यू आर गुड एट इन क्रिकेट? बॉलिंग। ओ माय गॉड, यू आर द फास्टेस्ट बॉलर गाइस। मींस कितना फास्ट फेंकते हो भाई? 130, 135, maybe 140 तक भी फेंक देते हो इसी बॉल से? नॉट रबर बॉल, नहीं इसी बॉल से खेलते तुम लोग क्रिकेट? तो गाइस यही है कि कश्मीर में ये बॉल बनता भी है शायद। बनता है तो ये बॉल बनता कश्मीर में, तभी यहाँ के बच्चे लोग इसी बॉल से बचपन से ही खेलते हैं। तो ये लोग भाई, मैंने इन लोगों का ग्राउंड भी देखा है, वो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है भाई। और लोग ओके गाइस, तो गाइस यही गाइस, तो क्लोजअप करेंगे क्या इसको? ओके गाइस, वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुस्तफी हाउस। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन पापा शॉट। तो यस गाइस, मैंने आप लोग को बताया था ना, पापा सॉरी वो चीज़ दिखाएगा आप लोग को जो कोई नहीं दिखाया होगा। आज मैं आ रखा हूँ अपने दोस्त के बगीचे में। कौन सा बगीचा? एप्पल का बगीचा क्या? एप्पल इस एरिया में भाई, कश्मीर के इस एरिया में हाई क्वालिटी एप्पल्स मिलते हैं, ठीक है, और यही एरिया फेमस है एप्पल्स के लिए। तो यस ब्रो, कुछ आइडिया दो इस शेप्स के बारे में, क्या है शेप्स? ये जो है डिलीशियस एप्पल है और बहुत मीठा वाला एप्पल है। क्लोजअप लुक ले शेप लीजिए, और आप भी थोड़े से कच्चे हैं और विद इन वन मंथ ये भी। तो मेरे को ये बताओ, ये कब रोपा था और फर्स्ट टाइम जब रोपते हैं बंदे तो उसको कितना साल लग जाता है ये एप्पल इतना बड़ा होने में? ये जो है विद इन 10 years आपका जो है फ्रूट दे देता है, ये ट्रेडिशनल वैरायटी है। प्लांट को रोपने से 10 साल वेट करना पड़ता है? हाँ जी हाँ जी। और लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज हैं वो 3-4 साल में आपका फ्रूट जो है सैम्पलिंग स्टार्ट कर देता है। और ये देखिए डिलीशियस एप्पल्स हैं, और हरी और मैं एप्पल ऑर्चर्ड में आए हुए हैं। ये डिफरेंट वैरायटी की एप्पल है, ये वाली अमेरिकन वैरायटी बोलते हैं इसको, ये वाली ग्रीन है ये तो। हाँ अभी पकेगा, अभी विद इन 1 month, 1.5 month बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा खाने लायक। फिर इसकी पैकिंग होगी और उसके बाद हम इसको मुंबई कोलकाता। सबसे ज़्यादा कहाँ भेजते हो? सबसे ज़्यादा मुंबई, ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग होता है मुंबई में। ये देखिए एप्पल्स अभी कितने रुपये किलो बिकते हैं? ऑलमोस्ट अराउंड 50-70 के आसपास रिटेल प्राइस बता रहा हूँ। फॉर ये देखिए, ये अभी हरी पकने लगे हैं एप्पल्स, ये देखिए। तो ये गाइस पूरा का पूरा एप्पल्स का और वही है। हाँ, सारा का सारा पेड़ एप्पल्स का है? सारा का सारा पेड़ एप्पल का है, ये देखिए। और एप्पल जो है ये देखिए, एप्पल जो है अगर हम प्लक करें एक एप्पल को, ये देखिए प्लक नहीं करते, बिल्कुल कच्चा है अभी, थोड़ा तो पक्का वाला देख लेते हैं। So guys, life is so hard, not so hard. Life is so beautiful here in J&K. And आप अगर आप सेब के बगल में बैठ के खाओगे तो ऐसा लगेगा कि क्या ही बताएं, मतलब ऐसा लगेगा कि बहन चो ये सेब। तभी यहाँ के लोग लाल लाल रहते हैं, गोरे गोरे रहते हैं, और मतलब ये लोग
हाँ बहुत सारे सेब हैं भाई, यहाँ देखते हैं सेब की ट्री में बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। वाह पूरा बफर लगा हुआ है इसके। अब देखिए पूरी सेब की ट्री है, एप्पल्स ही एप्पल्स। एप्पल प्लक करते हैं और हरी को खिलाते हैं ये रेड वाले एप्पल्स, और ये वाला खाते हैं हरी, ये रेड है और ये वाला मैं खा लेता हूँ। धोना पड़ेगा जी? हाँ धोना तो पड़ेगा। तो गाइस बिना धोए खा नहीं सकते क्योंकि तो रूम में खाया जाएगा अपन, रूम में खाएंगे गाइस। ओके गाइस, तो यही सेव है गाइस और यहाँ का वही सबसे यूनिक थिंग यही है जे एन के का, इस सेब का। और ये मुस्तफ़ी ये तेरा है क्या बगीचा? हाँ बिल्कुल सारा मेरा, सारा बगीचा है। हाँ जी। तो यार सही है यार, मस्त है भाई मेरे को तो। ये पूरा एरिया जो है सेबों से भरा पड़ा है और एप्पल्स ही एप्पल्स हैं, एप्पल वैली बोलते हैं इसको। ओके यहाँ से देखिए कितने एप्पल्स अभी हैं, ग्रीन एप्पल्स हैं अभी, और अभी धूप होगी तो पक जाएंगे पूरे और फिर मार्केटिंग होगी इनकी। देखिए तो गाइस यही कह रहा हूँ गाइस, तुम लोग भाई एंजॉय करना है तुमको अगर एप्पल्स को रियली में हाई क्वालिटी सेब खाना चाहते हो तो आप लोग मेरे दोस्त के घर आ सकते हो, वो फ्री में भी खिलाएगा तुम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मैं बोल दूंगा तो वो खिला देगा फ्री में। बट वो वही लोग खाएगा जो पापा सॉरी के सब्सक्राइबर होगा, ऐसा नहीं कि साला मैं किसी को बोल दूंगा कि ये मुस्तफ़ी इसको खिला दे, वैसा नहीं। मैं भी अपना इंटरेस्ट देखूंगा इसमें, तभी सब्सक्राइब कीजिए पापा सॉरी को। और वही है गाइस, गुलमर्ग घूमना हो या कुछ भी करना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए पापा सॉरी से, आप लोग को काफ़ी मेरे दोस्त लोग घुमाएंगे। ठीक है तो गाइस यही है, मेरे को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, तो गाइस मज़ा आ गया भाई। हाँ तो गाइस यही कह रहा था, पापा सॉरी ने जैसा प्रॉमिस किया था आप लोग को वैसा ही ब्लॉग बना है, जैसे कोई पहली बार आएगा वो ऐसा ब्लॉग बना नहीं पाएगा। पापा सॉरी इसलिए बना पाया है क्योंकि पापा सॉरी का दोस्त है, वो यहाँ का नेटिव है। तो गाइस ये बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कितने लोग पहली बार आएंगे तो भटक जाएंगे। ठीक है तो गाइस अब हम लोग जाते हुए दोस्त के घर, वहीं पे खाएंगे सेब, खा के गाइस हम लोग कुछ और एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे जे एन के में। तो गाइस यही है गाइस, पापा सॉरी इज हियर एंड बेस्ट ब्लॉग बना है भाई जे एन के का, इतना बेस्ट बना है ना गाइस। ओके गाइस थैंक यू गाइस।